आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी 5 मीटर कपड़े में हम सूट सलवार कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, हमें 40 लेंथ चाहिए शर्ट बनाने के लिए। 40 लेंथ की हम शर्ट कटाई करेंगे। ये हमारे पास रेडीमेड फट्टा बना हुआ है, हम एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा कम रखेंगे। अगर ये फट्टा नहीं बना होता रेडीमेड तो हम 2 या 2.5 इंच मार्जिन फट्टे के लिए रखते, इसलिए हम इसे ऊपर नाप लेंगे। 40 हमारी लेंथ है और मार्जिन हम 1 इंच लेंगे। जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 इंच छोड़ा है वहाँ निशान लगाएंगे और इस कपड़े को ऊपर वाले को फोल्ड कर देंगे। मार्जिन बैक फट्टे का हम मार्जिन लेंगे 3 इंच, 3 इंच मार्जिन से निशान लगाएंगे और काटेंगे। ऐसे हम यहाँ से भी कपड़े को काटेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले कट के तैयार हो गए हैं। अलग अलग पल्लों को करेंगे और फ्रंट वाले पल्ले को हम पकड़ के जो हमारा सीधा है कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा फट्टा है जितना भी है इसके साथ फोल्ड करके ऐसे जोड़ेंगे। हिप हमारी है 23 इंच और 4 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे, 27 इंच हमारे के हम निशान लगाएंगे। 27 का हाफ हो गया 13.5 हो गया, 13.5 के हम निशान लगाएंगे। इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और अब हम दूसरे पल्ले निशान लगाएंगे। इसको भी ऐसे हम खोलेंगे, फोल्ड करेंगे, 13.5 के ऊपर निशान लगाएंगे। कन्नी से हम नाप लेंगे इस साइड 13.5, इस साइड भी हम लेंगे 13.5। इन निशानों को ऐसे हम एक साथ मिलाएंगे उठा के
और ये कपड़ा हम काटेंगे। फ्रंट वाला पल्ला हम बैक वाले पल्ले के ऊपर रख के ड्राफ करेंगे। दोनों पल्लों को हम सेंटर बनाएंगे और कपड़ा थोड़ा एक बराबर करेंगे काट के। तीरा हमारा 14 है, 14 का हाफ हम लेंगे 7 इंच। 7 इंच ही हम मोड़ा लेंगे कंधा, यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे। इन निशान को मिला देंगे और जहाँ से हम लेंगे 6 इंच। ये अगर मोड़ा हमारा है, तीरा हमारा है 7 इंच, जहाँ से 1/2 इंच कम हो गया 6.5 लेंगे। इन निशानों को मिलाएंगे और 1 इंच की गुलाई देंगे हम। मैं फ्रंट पल्ले की हमेशा 1 इंच की गुलाई देती हूँ। और चेस्ट का निशान लगाएंगे 21 इंच। 21 हमारी चेस्ट है और 7.5-10 हम लेंगे। और फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का हमारा निशान रहेगा 5 इंच। और ये स्लिट्स हमारे रहेंगे 15। हिप हमारी 23 इंच है, 23 का हम लेंगे 1/2, 11.5। ये देख लो हमारा 11.5 है फिर निशान। यहाँ से भी हम लेंगे 21 कमर। इन दोनों को निशानों को मिलाएंगे, कमर वाले निशान को हिप वाले निशान से मिलाएंगे। प्लेट का हम निशान लगाएंगे 11 पे, 11 इंच। गले से नीचे हम निशान लेंगे 11 पे हम प्लेट डालेंगे। और प्लेट की चौड़ाई रहेगी 7 इंच, 7 से 7 का हम लेंगे 1/2, आ गया 3.5। प्लेट की लेंथ रहेगी 6-6 इंच, 6 इंच पर निशान लगाएंगे और चढ़ाई रहेगी 3.5। दोनों निशानों को मिलाएंगे। इस निशान को सीधा निशान पे लगाएंगे निशान, और थोड़ा नीचे हम प्लेट डालेंगे। इस निशान को हम कमर के निशान से मिला देंगे। ये हमारा थोड़ा नीचे निशान आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम मिला सकते हैं। और ऊपर हमारा निशान आ गया, ये देखो, ये एक डब्बा सा बन गया, स्टार सा बन गया। इस निशान को हम ऊपर मिलाएंगे। ये हमारी प्लेटें का निशान, ये थोड़ा सा मैं 1/2 इंच का रखूँगी, गला ऊपर ना जाए, और काटेंगे। जी मैं दोनों पल्लों का सेंटर बना रही हूँ, एक पल्ले को उठा के काटेंगे। और बैक पल्ले का हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गुलाई के लिए। फिर जहाँ से गुलाई देते हुए काटेंगे।
जिमें 2 इंच 2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर काट दूंगी बाकी कपड़ा। अब मैं निशान लगाऊंगी कमर पे और हिप पर। इन निशानों को मैं नीचे पल्ले भर पर भी निशान लगाऊंगी। इन निशानों को मिलाएंगे। जो प्लेट के निशान मैं नीचे लगाऊंगी सुई की मदद से, बैक गला काटेंगे 2.5 इंच इधर, 5.5 गला, गले की लेंथ 5.5। 5.5 मैं इस निशान से लूँगी नीचे 5.5, और 2.5 इंच यहाँ से लूँगी। इन निशानों दोनों को मैं मिलाऊँगी और थोड़ी सी गुलाई पाऊँगी और काटूँगी। इसको मैं थोड़ा फोल्ड करूँगी, और ये जो 3 इंच मैंने नीचे फट्टा फोल्ड करने के लिए रखा था, ये नीचे वाला फट्टा, इसको मैं निशान लगाऊँगी और यहाँ 2 कट के निशान। ये हमारा कमीज हो गया कट के तैयार। ये बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकालेंगे, कन्नी को कन्नी के साथ जोड़ के। बाजू हमारे का थोड़ा कपड़ा कम है, इसलिए हम जोड़ डालेंगे ये बचे हुए कपड़े से। ये हमारा जोड़ हो गया कन्नी के साथ कन्नी, और ये बाजू, हम बाजू का कपड़ा इधर, जोड़ हमारा कम पड़ रहा है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेंगे जोड़ के लिए। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम जोड़ डालेंगे। साढ़े 16 इंच हमारे बाजू की लेंथ है, और 17 इंच हम लेंगे बाजू की लेंथ 2 इंच फोल्डिंग के लिए, मगर ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम 2.5 इंच फट्टा फोल्ड करने के लिए लेंगे। ये पूरी बाजू हमारी होगी 20 इंच, 20 इंच हम इधर से लेंगे 2.5, ये हमारा फोल्डिंग है। इधर से हम लेंगे 3.5 इंच, और इधर से हम लेंगे 2.5 इंच। ये 2.5 इंच को 3.5 इंच जो नीचे ले रखा है ऐसे गोलाई में मिलाएंगे और काटेंगे। ये हम सेंटर बनाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा काटेंगे, बचा हुआ कपड़ा काटेंगे। बाजू की मोरी हमारे पास 5 इंच मोरी है शर्ट की, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे 7 इंच काटेंगे।
जहाँ हम थोड़ा निशान लगाएंगे, जितना हमारा फट्टा फोल्ड होना उतना, और निशान लगाएंगे जितना हमारा मोढ़ा चढ़ेगा। ये मोढ़ा हमारा चढ़ेगा 8.5, 8.5 पर हम निशान लगाएंगे। ये 2 पल्ले उठाएंगे हम, और 2 पल्ले उठा के ये निशान लगाएंगे, थोड़ी कटाई करेंगे, इतनी सी कटाई करेंगे। ये जो हमने कटाई की है, ये बाजू के फ्रंट पर हम जोड़ेंगे, और ये जो हमने 1/2 इंच फालतू यहाँ से बाजू का कपड़ा लिया है, आधे से भी आधा, 1/2 हो गया, 1 का भी 1/2, ये हमारा रहेगा बैक बाजू। और ये जोड़ हम बाजू को लगाएंगे कन्नी के साथ, कन्नी पहले जोड़ेंगे, फिर फट्टे फोल्ड करेंगे, फिर हमारा बाजू हो जाएगा तैयार। ये हमारा कमीज कट के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना।